हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट का। ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है जो कि हमें लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, थोड़ा सा ईजी हो जाती है। तो आज मैं ईजी वे में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि किसी भी एलिमेंट का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे वो आउबाव प्रिंसिपल पे लिखेंगे हम लोग। तो आउबाव जो होता है ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग, मतलब किसी चीज़ की रचना करना है, किसी चीज़ को बनाना। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में। आउबाव का प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उस शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उस शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगी, फिर उसमें जाएंगे जिसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी, फिर और ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, यानी कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लेके चलना है। ठीक, तो इसको लिखते कैसे हैं, पहले उसको समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको एक से लेके आठ तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये वन लाइन लिख दी। उसके बाद में क्या करना है, सेकेंड लाइन के अंदर ऊपर से 1 और नीचे से 8 को कम कर देना है, यानी कि आपको स्टार्ट करना है सेकंड से, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। फिर से ऐसे ही करेंगे, यहाँ से एक कम कर देंगे, नीचे से भी एक कम, तो अगला जो आप स्टार्ट करोगे लाइन तो थर्ड से स्टार्ट करोगे, तो 3 4 5 और 6। ठीक, उसके बाद में जो अगली लाइन है उसमें भी आप ऐसे ही करोगे, इसको और इसको कम कर दोगे, तो जो लाइन है वहाँ 4 से स्टार्ट करोगे, 5 के खत्म कर दोगे। ऐसे करना है, 1 से लेके 8 तक काउंटिंग करनी है, फिर अगली लाइन में 1 और 8 को हटाकर 2 से 7 तक, फिर नेक्स्ट लाइन से 2 और 7 को हटाकर 3 से 6 तक, फिर नेक्स्ट लाइन से 3 और 6 को हटाकर 4 और 5 तक। ठीक, अब जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर आपको भरना है एस सब शेल को, एस सब शेल, फिर उसके बाद हम भरेंगे बी सब शेल, बी सब शेल, फिर उसके बाद में डी, और सबसे लास्ट में एफ। तो ये हमारा आउबाव के लिए टेबल। ठीक, तो अब इसको हमें बनाना कैसे है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसको देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s के अंदर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को आप सबसे पहले 1s में, जब 1s कम्प्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे 2s के अंदर, 2s जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन्स आप भरोगे 2p और उसके बाद 3s में, 3s जब कम्प्लीटली फिल होगा फिर आपको भरना है 3p में, उसके बाद 4s का नंबर आएगा, 4s जब कम्प्लीटली फिल होगा फिर 3d, 4p और 4p जब फिल हो जाएगा तब हम 5s को भरेंगे। इसी तरह से 4d, 5p और उसके बाद 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6d, देन 7s और सबसे लास्ट में 5f, 6d, 7d, 8s। तो ये होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने का ऑर्डर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपको सबसे पहले 1s में भरने हैं, जब 1s कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तब आपका कौन सा नंबर आएगा, 2s का, 2s जब कम्प्लीटली फिल हो जाएगा यानी कि इसमें जब दो इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे तब आपको भरना है 2p को, 2p के बाद में नंबर आएगा 3s का, 3s के बाद में अगर ये 3s फिल हो जाता है कम्प्लीटली फिर आपको भरना है 3p, उसके बाद 4s, 4s के बाद में 3d, 3d के बाद 4p, 5s, देन 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s जब आपका कम्प्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद आपको किसका भरना है, 4f, 5d, 6d, 7s, इसी ऑर्डर में हमको भरना चलना है। फिर 7s के बाद में 5f, 6d, 7p, 8s। तो ये है हमारा आउबाव का टेबल। तो इसको हमें आधार बनाकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, सभी का मिलके दिखाऊंगा, 1 से लेकर 118 जो भी है हमारे। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आउबाव रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे हमारे कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और मोस्टली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो आउबाव रूल को फॉलो नहीं करते, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं।
तो हम लोग शुरू से लेके चलते हैं हाइड्रोजन से। फर्स्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उस एटम को जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। जैसे मुझे लिखना है हाइड्रोजन का, ठीक, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनके शेल को, जैसे शेल जो होते हैं, एक तो के, उसके बाद एल, उसके बाद एन, शेल होता है इसको मैं लिख लेते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से हमारे शेल होते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। 1H हाइड्रोजन का होता है 1, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि s सब शेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हो, p सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अगर ये पूरा ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो सिर्फ f को ध्यान रखिए कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, चार चार इलेक्ट्रॉन्स प्लस करते हुए चलने हैं। जैसे 2 में 6, 4 प्लस करोगे 6, 6 में 4 प्लस करोगे 10, और 10 में 4 प्लस करोगे तो 14। तो एस पी डी एफ 2, 6, 10, 14, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं भरने हैं। चलिए तो लिखते हैं हम। तो हाइड्रोजन है 1, एटॉमिक नंबर 1 है इसका, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1s1 इस तरह से। यहाँ पे ये जो नंबर है 1, ये दर्शा रहा है कि ये फर्स्ट शेल में है, एस एस का सब शेल, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया के शेल के अंदर, ये शेल लिखे हुए के एल एम एन ओ पी क्यू। चलिए दूसरे का लिखते हैं 2H e, हीलियम। तो हीलियम क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि एस के अंदर 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप इसी में भर दोगे, तो ये हो जाएगा 1s2। 1 क्या है शेल, एस क्या है सब शेल, और उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हमने लिख दिया। फिर हम बात करते हैं 3Li लिथियम की। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा होगा 1s2। जैसे एक शेल खत्म हो कॉमा लगा देते हैं, इस सेकेंड जो शेल स्टार्ट होगा वो 2s, और इसके अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि इसमें के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब इसका। ये हमारा फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये सेवन्थ शेल। चलिए फोर्थ लिखते हैं। फोर्थ होता है बेरिलियम। बेरिलियम 4 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं। तो 1s के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन सपोज करो 2 भर दिए हमने, 2 के बाद में यहाँ पे 2 और आ सकते हैं, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 1s2 2s, यानी कि इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल में, और एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए फिफ्थ बोरोन, आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, काउंट करते हैं, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पे हो गए 4, एक आप क्या करो यहाँ पे भर दो, क्योंकि पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 6 आ सकते हैं, और हमें पता है कि जब 2s भर जाएगा तो हमको 2p भरना है। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा फिर 3s का नंबर आएगा। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा 1s2 2s2 और 2p1, यानी कि ए शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड वाला शेल हमारा, यानी कि एल शेल, तो 2 प्लस 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनको देख के हम इसको वो भी बता सकते हैं कि इनका शेल यानी कि किस ग्रुप के एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो जिस सब शेल में जाता है वही उसका ग्रुप कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिथियम की बात करूँ, तो लिथियम में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें भी एस सब शेल में जा रहा है, तो ये भी एस ब्लॉक का है। इसके अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है, तो बोरोन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, बोरोन के बाद में फिफ्थ के बाद 6, और 6 पे होता है कार्बन,
जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हम पढ़ते रहते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। हमें पता है हमने यहाँ तक 2 + 2 = 4 भर दिए थे, हमको 6 भरने हैं, तो यानी कि बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2, तो ए शेल में 2 और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। और कौन से ग्रुप का एलिमेंट हुआ है? पी ग्रुप का। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करेगा वही उसका क्या कहलाता है? ग्रुप। फिर 6 के बाद हम बात करते हैं 7। तो 7 पे आता है नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं, 4 यहाँ पे भर दिए थे, 3 यहाँ पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3, यानी कि 2 फर्स्ट में हुए और 5 सेकंड शेयर में हुए। उसके बाद बात करते हैं 8 ऑक्सीजन, आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 4 यहाँ पर हो गए थे, बाकी के 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 1s2 2s2 2p4, यानी कि यहाँ पर 2 और इधर 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 के बाद में हमारा 9 फ्लोरीन, इसको हैलोजन एलिमेंट भी बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 2 4, तो 4 में कितना प्लस करेगी? 9 आ जाए, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5, तो 2 7 ये हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा 10Ne नियोन, तो नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ पे भर दिए, 4 यहाँ पे भर दिए, सॉरी 4 यहाँ पर हो गए, तो 4 में कितना प्लस करेगी? 10 हो जाए, 6। तो यानी कि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं आए। अब पी जो होता है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है, ये रहा। नियोन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यानी कि के शेल में 2 है और एल के अंदर 8, यानी कि नियोन का ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कम्प्लीट है सर। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे हीलियम के केस में, तो उनको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एलिमेंट्स। चलिए, तो हमने 10 नियोन तक भर दिया, हमने देख लिया कि 2p जो है यहाँ पे 6 हो गया है और p के अंदर 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। और हमको अब लिखना है 11 का, 11 पे आता है हमारा सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 2 + 2 = 4 + 6, यानी कि 10 और 1 यहाँ पे भर दो, तो ये हो गया 11। 1s2 2s2 2p6 देन ps1, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। 3 शेल इसके अंदर, पहले में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर है 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन m के अंदर, ठीक। उसके बाद 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम उनको भरना है, तो आप यहाँ तक 10 भर चुके हैं, इसके अंदर 2 अभी और आ सकते हैं क्योंकि हमको 12 करने हैं, तो ये हो गया मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, तो s ब्लॉक का एलिमेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 8 और 2, 2a2। चलिए, फिर उसके बाद 13 एल्यूमिनियम, 13 आपको भरने हैं, यहाँ तक आप 10 भर चुके थे, इसमें 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, तो यानी कि 12, तो 12 के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो आएगा p के अंदर 3p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, तो एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 2 8 और 3, ओके। उसके बाद 14 सिलिकॉन, तो यहाँ तक हम 12 फिलअप कर चुके थे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि आप 13 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन्स 3p के अंदर भरोगे, तो हमें सिलिकॉन के लिए चाहिए, तो सिलिकॉन में यहाँ तक 12 हो गए थे, तो 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2
और 3p2। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, तो थर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बात करते हैं 15 फास्फोरस। तो जैसे मैंने बताया कि आपको 13 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं, तो पहले आपने 2 लिखा था, अब यहाँ पे 3 भर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो फर्स्ट शेल में 2, 8 और उसके बाद 5। उसके बाद 16 सल्फर, आपने जहाँ पे 3p3 किया था उसकी जगह पे 4 कर दीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। 2, 8, 6 पी ग्रुप का एलिमेंट, ये भी 17 क्लोरीन, ये भी हेलोजन के अंदर आता है। पी में 4 किया था, अब पी पे 5 कर लीजिए। तो 5 आप करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 8 और 7। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन की क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है। फिर उसके बाद आता है 18 आर्गन। तो आर्गन 18, पहले यहाँ पे पी में 5 किया था, अब यहाँ 6 कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो आप देख रहे हो कि 3p जो है पूरी तरह से फिल हो चुका है, 6 होगा, इसमें 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 2, 8, 8, तो ये भी इनर्ट गैस कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके सबसे लास्ट वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट्स। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, तो एक फाइल में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, 18 के बाद में 19। तो अब 19 से स्टार्ट करते हैं। 19 पे होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम में देखते हैं कि कैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। यहाँ से डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। चलिए 19 पोटेशियम, 19 पोटेशियम आपको भरना है। तो यहाँ से काउंट करो जरा, 2 + 2 = 4 + 6 = 10 = 12 और 6 = 18। 18 के बाद में 19 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 10 4s1। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 और उसके बाद 4s1, ये होगा इसका। तो फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2, थर्ड में 8, सॉरी सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 और फोर्थ वाले में 1। चलिए 20 की बात करते हैं। 20 कैल्शियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, यहाँ पर एस के अंदर हमने 1 किया था पहले, अब एस की जगह पे 2 कर लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब यहाँ पे 4s कम्प्लीटली फिल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा 2, 8, 8, 2। ठीक, तो ये भी s ग्रुप का एलिमेंट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, 21 की, 21 स्कैंडियम। ठीक है, तो 21 जो होते हैं और 30 तक जो होते हैं हमारे, 21 से 30, ये डी ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। और डी ग्रुप एलिमेंट्स में जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल से इनर वाला जो शेल है उसमें एंटर करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका कैसे लिखेंगे, उसको ध्यान से देखना है हमको। यहाँ
यहाँ तक हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए थे। 20 के बाद में हम जानते हैं कि 21 से लेकर 30 तक डी में आएंगे, क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे कैसे? तो जब लिखते हैं हम तो हॉरिजॉन्टली चलते हैं, तो 1s2, फिर उसके बाद आप लिखोगे 2s2 2p6, देन 3s2 3p6 3d1 और फिर 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहीं पर हमारा आ रहा है क्या 3d1 और 4s2। तो फर्स्ट में 2, 8, 9 और 2, ये यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं हम। 2 फर्स्ट शेल में, फिर 2 प्लस 6 8 सेकंड में, फिर 2 प्लस 6 प्लस 1 9 थर्ड में, और 2 आउटर मोस्ट शेल में। इनमें जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में ना जाकर उससे अंदर वाले टी सब शेल में जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 22, 22 पे आता है हमारा टाइटेनियम। 22 आपको भरना है, तो जहाँ पे आपने 3d1 किया है उसको 3d2 कर दीजिए। 1s2 2s2 2d6, उसके बाद 3s2 3d6 3d2 और 4s, यानी कि 2, 8, 10, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 23 वेनेडियम, यहाँ पे 3d2 की जगह 3d3, बाकी सब सेम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s, तो 2, 8, 11 और 2 ठीक। उसके बाद में 24 क्रोमियम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका अगर आप आवभाव के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ 3d3 की जगह 4 आना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2, और इधर हो जाएगा 2, 8, 12 और 2। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो जो क्रोमियम होता है वो एक्सेप्शन होता है, आवभाव के रूल को फॉलो नहीं करता। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी का काफ़ी चक्कर होता है। स्टेबिलिटी यानी कि अगर हम लोग 2-4 दिन तक खाना ना खाएं तो हम लोगों की एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो डाउन होने से क्या होगा, हम लोग कोई काम करने लायक नहीं होंगे, तो यानी कि हमारी जो रिएक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है, वो कम हो जाएगी। और क्रियाशीलता जब कम हो जाएगी तो हम एक जगह पर पड़े रहेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल का मतलब एक जगह पर पड़े रहना, कुछ भी ना करना। तो केमिस्ट्री के अंदर जिस एलिमेंट में या जिस एटम के अंदर, उसमें या तो हाफ फिल्ड हो सब शेल उसका, या कम्प्लीटली फिल्ड हो, या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, तो वो एटम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पी सब शेल की, तो पी सब शेल में या तो ये हाफ फिल्ड होना चाहिए यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर ये कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए यानी कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही डी के अंदर होता है। तो डी का अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाना चाहूँ 3d4 और 4s2 के लिए, तो जो 3d4 है उसमें हम देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगल सिंगल हम भरते हैं पहले, फिर उसके बाद ये है हमारा 4s और 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो क्रोमियम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड जो सब शेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए जो क्रोमियम है वो आवभाव के रूल को फॉलो नहीं करता। एक्सपेरिमेंट करके जब देखा गया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये नहीं मिला, बल्कि क्या मिला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चला गया। तो आपको क्या करना है, 4 ना करके यहाँ पर 5 कर दोगे और यहाँ पर 2 की जगह 1 हो जाएगा ठीक। तो हाफ फिल्ड होने के लिए क्रोमियम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर 12 की जगह 13 और 2 की जगह 1। अब सही स्टार लगा देखो, आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद 25, अब जितने भी आएंगे आप उसको उसी तरह से भरोगे जैसे पहले भरते आए हो। एम
एमएन आ रहा है हमारा, 25 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखिए जरा 25 कैसे भरेंगे। 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 12, 18, 20। 20 के बाद कितने और चाहिए हमें ताकि 25 हो जाए, 5 चाहिए, यानी कि इसमें 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 5 और 4s। ओके, तो इसमें आप जो है ऐसे नहीं करोगे जैसे यहाँ पर हमने हाफ फिल्ड करने के लिए किया था, क्योंकि 3d पहले से ही हाफ फिल्ड है, तो पहले से ये स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 8 और यहाँ पर आपका 13 और 2, ये सभी डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं। फिर आता है 26 Fe, क्या करना है, जहाँ पर आपने 3d में 5 किया था उसमें 3d 6 कर दीजिए, बाकी सब सेम रहना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 6 और 4s, 2, 8, 14, 14, ये होगा हमारा आयरन। फिर आता है 27 कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में क्या करोगे आप, 3d6 के यहाँ 3d7, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s, 2, 8, 15, 2, 8, 15। फिर आता है 28 निकेल, तो यहाँ पर 3d7 था, इसमें 3d8 हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s, 2, 8, 16। तो ये था हमारा 19 से 28 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम कुछ और देखते हैं, 28 के बाद में देखते हैं। 28 के बाद में हमारा था 29 कॉपर। कॉपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमारा क्रोमियम था, तो बस ये ध्यान रखना है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या फिर कोई और भी एलिमेंट हो, उसमें जो हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के लिए एटम कुछ भी कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है किसी को और इलेक्ट्रॉन्स वो ले भी सकता है। चलिए तो हम लिखते हैं अब 29 कॉपर का, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 29 कॉपर, तो 29 कॉपर अगर आप लिखोगे तो मैं इसका सबसे लास्ट का लिख रहा हूँ, बाकी सब तो सेम रहना है। इसमें सबसे लास्ट में आएगा 3d 8 और 4s 2, ये होना चाहिए था आपाओ के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर से इसमें वही केस आता है कि जो हमारा डी सबशेल है इसमें अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा इसमें, तो इसमें अगर 9 इलेक्ट्रॉन मैं भरता हूँ तो मैं देखता हूँ इसमें कम्प्लीटली फिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये भी क्या करता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आ जाता है। तो आपाओ के अकॉर्डिंग होना तो d9 चाहिए था, लेकिन स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, 3d9 ना होकर 3d10 हो जाएगा और 4s2 ना होकर 4s1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2, 8, यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 30 आता है जिंक, तो जिंक आपको ऐसे ही भरना जैसे अभी भरा था, तो बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पे 3d10 और ये 4s और ये हो जाएगा 2, 8, 18। तो ये था बच्चे हमारा 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी मैं बाद में ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको 21 से लेकर 30 तक याद रखने हैं। फिलहाल उसके बाद हम लिखेंगे 30 से आगे के, 30 से आगे के हम 31 यानी कि गैलियम जर्मेनियम वगैरह उनको हम लिखेंगे और देखेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए इसी की हेल्प से।
इलेक्ट्रिसिटी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आप रूल को फॉलो नहीं करते, तो उनके याद ही करने होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यूज होती है वो, हम उनके नहीं लिखेंगे। जहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ तक हम लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी हो जाए। उसके बाद 31, देखिए इसको कैसे पढ़ना है। 31 कैलियम, 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 6 = 18 18 और 2 = 20 और 20 के बाद में यहाँ पे हमें पता है टी के अंदर 10 तक आ सकते हैं, तो 10 हो जाएगा। हमें कितना बनना है, 31 30 यहाँ तक हो गए, तो 31 इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 40। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं इसका, 1s2 2s2 2p6। देखें यहाँ से 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद 3s2 3p6 3d10, क्या हुआ फिर 3s2 3p6 और 3d10, उसके बाद 4s2 और फिर 4p कितना 4p1। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट करना, पी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैसे अगर लिखना चाहते हो नंबर के फॉर्म में, तो देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, फिर दूसरे शेल में 6 + 2 = 8, थर्ड शेल में 2 + 6 + 10 = 18 और फोर्थ शेल में 2 + 1 = 2 8 18 3, ये ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद जो 32 आप भरोगे जर्मेनियम, उसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 41 की जगह 42 हो जाएगा, 1s2 2s2 2d6 3s2 3d6 4 3d6, के बाद 3d10 3d10 के बाद 4s2 और 4p2, 2 8 18, वहाँ पे 3 था यहाँ 4 था। तो इसके बाद में जब 33 आएगा, 33 में आप क्या करोगे, 4 की जगह 5 हो जाएगा और यहाँ 4p2 की जगह 4p3 हो जाएगा। ऐसे 32 से लेकर 36 तक आपको क्या करना है, यहाँ पर जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक लिखते रहना है। ओके, तो मैं लेके चल रहा हूँ 36 के आगे का। चलो 36 भी बता देता हूँ कैसे लिखना है। 36 पे हमारा होता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कैसे लिखेंगे उसको, हमें पता है यहाँ तक 30 तक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 30 के बाद में यहाँ पे 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, 36 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2d6 3s2 3d6 4 3d10 then 4s2 4d6। अब देख रहे हो p6 कम्प्लीटली फिल हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया है 2 8 18 8। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इनर गैस एलिमेंट के अंदर आता है। फिर देखते हैं 37 और 38 को क्या होगा। 37 हमारा होता है रबेडियम, तो रबेडियम का आप लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर 36 तक हो चुका है, उसके बाद 37 और 38 आएंगे 5s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 3d10 4s2 4p6 और 4p6, के बाद में आप लिखोगे 5s1, ये लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 8 4 1, ये हो जाएगा। फिर 38 हमारा आता है सीजियम, सॉरी ओके 38 आपको बनना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 37 हो गया था, तो यहाँ पे और कर दो,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 8 और 9, ये हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद में देखें आप 39 वाई या ट्री, इसका कैसे करें। यहाँ तक हम 38 को भर चुके हैं, 38 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा नहीं होंगे। 38 के बाद में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो 4d में जाएंगे, हमें कितने बढ़ने हैं 39, 38 ये हो गया, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, फिर 4s2, उसके बाद 4p6 और फिर आप लिखोगे 4d1 और लास्ट में 5s2। देखिए हो जाएगा कुछ 2, 8, 18, 9। ओके, तो इसके बाद में जो आते हैं एलिमेंट्स वो आवभाव के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनमें आप क्या करोगे, उनमें 39 से लेकर 48 तक आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे भरते हैं, इसको तब तक भरेंगे जब तक यहाँ पे 18 ना हो जाए। तो उसके बाद देखते हैं 54 को कैसे लिखोगे, हम रैंडमली ऐसे ले लेते हैं 54 0। 54 लिखना है तो वही प्लस करते हुए चलिए इसमें सबसे, यहाँ तक आपका हो गया था 30, 30 प्लस 6, 36 और 2, 38। 38 के बाद में यहाँ पे 10 आ जाते हैं, 38 10 48, और 48 के बाद में यहाँ पे 6 अगर कर दोगे तो यही हो जाएगा 54। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6 लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, उसके बाद 4s2, 4p6 और 4d10, फिर आता है हमारा 5s2 और 5d6। तो p में यहाँ पे 6 आ रहा है, ये भी आपका इनर गैस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 18, फिर यहाँ पे भी 18 और यहाँ हो जाएगा इनर गैस है, 54 भी हमारा इनर गैस एडिट होता है। चलिए इसके बाद में एक रैंडम भी उठा लेते हैं, 80 उठा लेते हैं, 80 का हमको लिखना है, 80 पे होता है माध्यम। चलिए देखते हैं इसको, बच्चे इसमें काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं कि 80 का हम कैसे लिखेंगे। हम सीरीज से चलते हैं, ऑर्डर से चलते हैं, 2 + 4, 2 + 2 + 4, 6 + 10, 12, 6 + 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 + 6, 54, 54 + 2, 56, 56 के बाद एफ में आ जाते हैं 14, तो 56 + 14, 17, और 17 के बाद यहाँ पे आएंगे 10, तो ये हो गया हमारा 80। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10 और उसके बाद 6s2। चलिए लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, उसके बाद 4s2, 4p6, 4d10 और 4d10 के बाद में हमारा क्या है 4f14, फिर 5s2, 5p6 और 5d10, तो 5d10। 5d10 के बाद में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 6s में, तो 6s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर लिखना चाहते हैं तो 2, 8, 18, 18 के बाद 32, फिर 18, तो ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा होता है। तो ये थे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जिनको उनकी ज़रूरत है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं।